हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल डू वर्कशीट G16, जो कि है हमारी जर्नल वर्कशीट, जेनेरिक वर्कशीट क्लास 6 to 8 सबके बच्चों के लिए। ये हमें करनी है 24 जुलाई 2021। और आज की वर्कशीट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देगी लाइफ का कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, क्लीनलीनेस। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर्स बिलो। विच टर्म डू यू प्रीफर, क्लीन और डर्टी? तो ये देखिए, पिक्चर देखिए आप, इसमें देखो कितना साफ़ सुथरा है, सन है, ओपन जो है, क्लियर स्काई है, और नीचे देखो बिल्कुल रोड पे कोई गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरा। पार्क में देखो कोई आपको रैपर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं। और ये सिटी देखो, इसमें कूड़ा ही देखो, डस्टबिन, पोलीथीन, बेंच के ऊपर भी पोलीथीन। तो ये वाला डर्टी सिटी है और ये वाला हमारा क्लीन सिटी है। तो आप किस सिटी में रहना चाहोगे, डर्टी में या क्लीन में? ऑब्वियसली क्लीन में, क्लीन सिटी में रहना चाहोगे ना, तो यहाँ पे आपको करना है क्लीन। विच टाउन डू यू प्रीफर, कौन सा टाउन तुम्हें जो ज़्यादा अच्छा लगता है? तो हमें तो भाई ये क्लीन लगता है, आपको भी क्लीन ही लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन देम बाई फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब बॉक्स में कौन कौन से वर्ड है, उन वर्ड्स को हमें ब्लैंक में फिल करना है। डर्टी, अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए, डर्टी होता है गंदा, क्लीन साफ, थ्रो होता है फेंकना, ब्यूटीफुल सुंदर, डू नॉट मना करना किसी को करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब होती है डू हमारी, गार्बेज कूड़ा, नीट साफ, डस्टबिन्स, डस्टबिन्स ही होते हैं जिसमें आप कूड़ा डालते हैं, कूड़ादान। देखिए अब, दिस इज ए ब्लैंक टाउन, ये कैसा टाउन है, ब्यूटीफुल टाउन है ना, तो हम यहाँ पर भरेंगे ब्यूटीफुल टाउन। द सराउंडिंग्स आर नीट एंड क्लीन, देखो सारी सराउंडिंग इतनी साफ सुथरी है, तो नीट एंड क्लीन। पीपल यूज डस्टबिन टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, ये देखो ये डस्टबिन रखा हुआ है, तो डस्टबिन में जब हम थ्रो करेंगे गार्बेज, तो हमारा आसपास जो है क्या रहेगा, साफ सुथरा एनवायरनमेंट रहेगा। अब ये देखिए, दिस टाउन लुक्स वेरी डर्टी, बहुत गंदा है ये टाउन, देर इज गार्बेज ऑल अराउंड द प्लेस, हर जगह देखो गार्बेज फैला हुआ है, बेंच के ऊपर भी, ये भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पीपल डू नॉट यूज़ द डस्टबिन टू थ्रू द गार्बेज, पीपल यहाँ पर डस्टबिन यूज़ नहीं कर रहे हैं गार्बेज फेंकने के लिए, इधर उधर फेंक रहे हैं, इसलिए ये डर्टी सराउंडिंग्स है। ओके, हाउ डू योर सराउंडिंग्स लुक लाइक, आपकी सराउंडिंग तो साफ़ सुथरी होगी ना, आजकल तो वैसे भी हमें ज़्यादा साफ़ सफाई रखना चाहिए, कोरोना पेंडेमिक, गंदगी के कारण ही तो होता है ना कोरोना पेंडेमिक। कोरोना जो है उसमें तो आप सबको बड़ा हाथ भी, बल्कि 1 घंटे में आपको सैनिटाइज करना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए। तो आपकी सराउंडिंग कैसी है, आवर सराउंडिंग लुक्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी है हमारी सराउंडिंग तो, एंड देर आर डस्टबिन टू थ्रो गार्बेज, वहाँ कूड़ा फेंकने के लिए गार्बेज फेंकने के लिए डस्टबिन भी रखे होते हैं ना, पार्क में देखोगे कितने बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर के डस्टबिन होते हैं, आपने देखे हैं ना। तो ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, कैसे रख सकते हो अपनी सराउंडिंग क्लीन, डस्टबिन में कूड़ा डालोगे तभी तो ऐसे ही तो रखोगे ना। लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे दे रखा है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है, और कैसे आप अपनी सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा जब आप करेक्ट फिल करोगे ब्लैंक्स। ऑल ऑफ अस लाइक टू लिव इन ए क्लीन और डर्टी नेबरहुड, क्लीन नेबरहुड और सराउंडिंग्स, हम सब जो है साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। सेकंड देखिए, वी मस्ट प्रैक्टिस बोथ पर्सनल एंड एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस सही है, क्राउड नहीं, हमने जो है प्रैक्टिस करते हैं व्यक्तिगत और एनवायरनमेंट की साफ सफाई से रहने की। थर्ड देखिए, दिस विल हेल्प अस टू लिव ए हेल्दी लाइफ, इससे साफ़ सफाई से क्या रहेंगे, हमारी हेल्दी लाइफ रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे कोरोना दिखा रखा है, हाथ साफ करोगे तो कोरोना हमें नहीं होगा। फोर्थ देखिए, वेस्ट और गार्बेज बी थ्रोन एनीवेयर, कूड़े को हमें इधर उधर फेंक देना चाहिए नहीं, तो इसमें आएगा शुड नोट आएगा, बट ओनली इन डस्टबिन, हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। फिफ्थ देखिए, collecting throwing garbage all over the place will blank the environment, collecting garbage all over the place नहीं, यहाँ पर क्या आएगा हमारा throwing, collecting नहीं आएगा, throwing garbage, अगर हम garbage को इधर उधर फेंक देंगे ये वाला throwing आएगा, THROW, throwing garbage all over the place will क्या करेगा, pollute करेगा,
तो देखो इसमें हम अगर कलेक्टिंग करेंगे तो 55 करेंगे, वेरी गुड। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट में अगर हम गारबेज को कलेक्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कलेक्टिंग करेंगे, गारबेज ऑल ओवर द प्लेस, अगर हम प्लेस का गारबेज इकट्ठा कर देंगे विल ब्यूटिफाई द एनवायरनमेंट, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। अब ये देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर कंट्रोलिंग द यूज ऑफ पेपर और प्लास्टिक बैग्स विल हेल्प टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन। हमें कम से कम किसका यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक का, बल्कि हमें गन्नी बैग्स का यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, से नो टू प्लास्टिक, इससे हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग साफ सुथरी हो जाएगी। सेवन्थ देखिए, वन शुड यूज़ रिसाइकल्ड एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए ना, जो रिसाइकल हो जाए, लाइक पेपर और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, प्लास्टिक का नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है और गिन्नी बैग और पेपर बायोडिग्रेडेबल है जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, तो हमें उनका यूज करना चाहिए। एट देखिए, लिटरिंग कॉजेज लैंड एयर एंड वाटर पोल्यूशन, इधर उधर कूड़े फेंकने को हम इंग्लिश में लिटरिंग कहते हैं, तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन होगा। नाइन्थ देखिए, स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी विल कीप अस सेफ फ्रॉम डिजीजेज, साफ सुथरा और हेल्दी से हम क्या रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे, रक्षा करेंगे, हम साफ एनवायरमेंट में रहेंगे तो हमारी बीमारी नहीं होगी, थेफ्ट नहीं होगा, इसके आएगा डिजीजेज। टेंथ देखिए, सो वी शुड कीप द सराउंडिंग क्लीन, इसलिए हमें अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना चाहिए, एंड लिव ए हैप्पी और डिजीज लाइफ, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, जिससे हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, हैप्पी और हेल्दी। तो हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए स्टूडेंट, ये हम सबकी ड्यूटी है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आज की वर्कशीट जो कि आपको मैसेज दे रही थी क्लीनलीनेस का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।